हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी लोग जग गए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौन कौन आ चुका है? ममता रानी, अंजलि, कुमावत, सुचारिता, राकेश। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी लोग? विकास, अंजलि, राकेश, ओके, वेरी नाइस। हाँ, समझ भी आ गया था कल का तो। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। कल की क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी रात वाली, है ना? तो नेटवर्क की वजह से हो गया था, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। बच्चे बता रहे थे कि सर हमारा जो वीडियो है वो कहीं और रिडायरेक्ट हो जा रहा है, कहीं और शिफ्ट हो जा रहा है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई और हम लोग को बहुत जल्द, यानी कि कुछ नहीं तो हम लोग के 3-4 क्वेश्चन बचे रह गए थे ना, उसके पहले ही अपने वीडियो को, अपनी क्लास को एंड करना पड़ गया था। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो 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 एवरीवन, सब लोग उड़ गए, है ना? बहुत अच्छी बात है। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि बच्चे उठे, मतलब मैंने अपील की बच्चों से और बच्चे वाकई उड़ गए, है ना? वरना बच्चे सो रहे होते, सर 9 बजे से पहले मेरे को नहीं उठना है ना? सर 12 आज कहाँ, सर अभी तो मेरे को कुछ काम भी नहीं है, मेरे को 12 बजे उठाना आज, है ना? लेकिन बच्चे उठे और वो भी मैंने 6 बजे अपील की। मैंने कहा जितने बच्चे देख रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें 6 बजे कल की क्लास लाइव अटेंड करनी होगी। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे तो नहीं बट धीरे धीरे आ भी रहे हैं, है ना? धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। देखो 25 हो चुके हैं अभी तक, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बच्चे आप लोग आए, मुझे हर व्यक्ति का इस समय नाम याद हो चुका है। ये हकीकत है, मुझे हर व्यक्ति का इस समय नाम याद हो चुका है जो सुबह की क्लास मेरी कर रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी नाइस। गुड मॉर्निंग इंडिया, है ना? क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर्सनली आई एम फीलिंग वेरी वेरी नाइस, समझ लो। मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये चीज की मैंने आपसे अपील की और आप लोग आ भी गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन पर बेटा आप देख पा रहे होगे, तो जल्दी शुरुआत करें, जल्दी शुरुआत किया जाए, है ना? सर येस्टरडे योर लाइन स्टोरी गॉट मोटिवेटेड मी एंड केम लाइव नाउ। ओ गॉड, वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हम आपको हमेशा शेयर करते हैं जो भी मेरे माइंड में चल रहा होता है, हम आपको जरूर डिलीवर करते हैं, जिससे कि अगर आप लोग मोटिवेटेड रहोगे तो तेजी से काम कर पाओगे, है ना? और अपने गोल की तरफ हमेशा आकर्षित रहोगे, अपने गोल की तरफ हमेशा डेडिकेटेड रहोगे, आपका डिस्ट्रैक्शन कभी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम ओडिशा। देखो कितने अलग अलग स्टेट से हैं, सोचो, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत किया जाए। अच्छा हाँ, आज तो जय माता दी, यानी कि आज तो बहुत सारे बच्चे फास्ट भी रहेंगे, राइट? आज तो बहुत सारे बच्चे फास्ट भी होंगे, हम भी आज फास्ट है फिलहाल, हम बता दें आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत करते हैं फिर, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। वेलकम बैक, मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले, हम लोग सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, ब्लैक मैथ्स, ब्लैक मैजिक मैथ्स, राइट? कितना अमेजिंग नाम है। बच्चे कहेंगे सर आज हम लोग काला जादू क्या सीखेंगे क्या? नहीं बेटा, काला जादू नहीं सीखेंगे, बट देखो बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है, बैकग्राउंड ब्लैक है और हम लोग कुछ ना कुछ तो जादू ही सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स में। तो हो गया ना ब्लैक मैजिक, हो गया ना काला जादू, हुआ ना, कुछ इस प्रकार से हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, यानी कि जबरदस्त सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी टेक्निक होगी, बहुत अच्छे अप्रोच होंगे, बहुत अच्छी ट्रिक्स होगी। तो जल्दी शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, अपने इस पूरे के पूरे वीडियो की एक मोटिवेशनल कोट के साथ, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो वेरी गुड, वेरी नाइस। सो समुद्र शांत हो तो कोई भी नाव चला लेता है, ध्यान से सुनिएगा, समुद्र शांत हो तो कोई भी नाव चला लेता है, असली मजा तो तूफानों में कश्ती निकालने में आता है। हकीकत है ना? जब समुद्र शांत रहता है तो कोई भी नाव चला लेता है, मजा तो तब है जब लहरें बहुत तेजी से उठ बैठ रही हो और उसमें अगर आप अपनी कश्ती निकाल पा रहे हो तो असली हुनर तो तभी आपका चेक होगा। यानी कि वही मतलब हमारे मैथमेटिक्स का है आज का, यानी कि आज का जो गोल है, आज का जो ओरिएंटेशन है, वो कुछ इसी प्रकार है कि अगर क्वेश्चंस बहुत हल्के हल्के हों, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आ रहे हो मैथमेटिक्स में, 2 + 2 = 4, तब तो हर कोई मास्टरमाइंड हो जाता है, तब तो हर कोई प्रो प्लेयर हो जाता है मैथमेटिक्स में, है ना? मजा तो तब आती है जब हम आपसे पूछ ले बेटा बताओ 18 8 कितना होता है, 18 8 जा कितना होता है, तब बच्चे आते ज्यादा गोल, सर 18 का पहाड़ा आप मेरे से पूछोगे। बच्चा आप बैंकिंग के हो, आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं 25 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए, है ना? तो याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार। तो जल्दी शुरुआत करते हैं, जल्दी शुरुआत करते हैं, जल्दी शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। उससे पहले हम चाहेंगे बेटा, अगर आप लोग जुड़ी चुके हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आपने चैनल पर अभी तक आप नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, है ना? वो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, तो जल्दी से कर दो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, जगा दो, फोन कर दो, है ना, रिंग कर दो उनको कि बेटा आ जाओ लाइव,
लाइव आ जाओ, सर आ चुके हैं लाइव, और क्या लोगे, है ना, सर उठ चुके हैं, सर 11 बजे लाइव लेकर के 12:30 बजे घर गए, उसके बाद भी आप लोगों के लिए सुबह सुबह 6 बजे लाइव लेने चले आए, कितनी बड़ी बात है, सोच के देखो एक बार, सोच के देखो, है ना। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चा आप लोगों को करना चाहिए, राइट। और हम चाहते हैं कि जितने बच्चे इस टाइम पे अभी जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे भी इस टाइम पे अभी जुड़े हुए हैं, मैं दिल से तमन्ना कर रहा हूं, मैं दिल से चाहत रख रहा हूं कि अभी जो आपका मेंस होने वाला है उसमें सबके सब क्रैक करें, है ना, सबके सब मेंस को क्रैक करें और जल्दी 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 सिलेक्शन पाए। मैं दिल से उम्मीद कर रहा हूं, दिल से चाह रहा हूं, और अगर देवी माँ का दिन है तो शायद मैंने बोला और शायद हो भी जाए, इस समय जितने स्क्रीन पर दिख रहे हैं सबके सब सिलेक्ट हो जाए, है ना, ये बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो अगर आप लोगों ने शेयर कर दिया तो शुरुआत करें बेटा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, जबरदस्त क्वेश्चन होगा, तैयार रहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करके देखो, जल्दी से देखो क्या है क्वेश्चन। ये फोर टाइम्स फाइव प्लस 3 times 5 प्लस 55 प्लस 5, यानी कि 5555, फिर 555, फिर 55, फिर 5, इन सबका आपको एडिशन बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे चुके हैं, है ना, ABCD के फॉर्म में आपके सामने ऑप्शंस हैं। जल्दी से बताओ आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या होगा बेटा आंसर, क्या होगा, कौन बताएगा सबसे पहले। बच्चों का आंसर अभी आया नहीं है, बहुत टाइम लगा रहे हो बच्चा, जल्दी से करके बताओ, जल्दी से क्या आएगा आंसर इसका, बहुत आसान है ना। बच्चे कहेंगे सर ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन हुआ बच्चा, है ना, क्या सर आप भी सुबह सुबह उठाकर मजाक कर रहे हो, सर ये तो बहुत आसान हुआ। हम क्या करेंगे, हम 5555 ऐसे लिखेंगे, फिर नीचे वाले को हम ऐसे लिखेंगे, दूसरे वाले 555 को, फिर उसके बाद हम लोग इस 5 को यहां पर लिखेंगे, और फिर हम लोग इस 5 को यहां पर लिखेंगे। और सर बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, सर इसमें आप क्या नया सिखा रहे हो मेरे को, है ना, हम लोग तो रटे हुए हैं, ये सारी चीजें हम लोग को याद है। देखो 5 + 5 + 5 + 5 यानी कि 5 4 = 20, 0 यहां लिखा 2 कैरी हो गया, 5 3 = 15 + 2 यानी कि 17 हो गया, 7 का यहाँ पे 7 लिखा 1 कैरी हो गया, 5 to 10 यहाँ पर 1 हुआ, 1 कैरी, आंसर इज 6170। क्या सर आप भी मजाक कर रहे हो, है ना, ये तो हम लोग को आता है, तो ये क्यों दिया सर आपने। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बेसिक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे अभी, है ना, ये तो आपका वार्म अप था, यानी कि आप सुबह सुबह उठे ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपकी वार्म अप एक्सरसाइज करा दे। देखो ध्यान से, ऐसे नहीं करना है इस क्वेश्चन की, ये तो बेसिक लेवल है, ये तो बचपन में हम सीखा करते थे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। अब देखो, अब आप आ चुके हो कंपटीशन के एरियाज में, है ना, तो टेक्निक क्या होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को करने की, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देखना कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ये नोटिस करना है कि यहां पर कितने 5 है, यहां पर कितने 5 है, काउंट करो, जब हम बोला करें ना कितने 5 है, या फिर कुछ भी हम पूछा करें तो रिप्लाई किया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, उससे चीजें याद होती है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर कितने 5 है, यहां पर 4 × 5 है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 4 times है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर कितनी बार 5 है बेटा, यहां पर 3 times 5 है, यहां पर कितनी बार 5 है, यहां पर 2 times 5 है, यहां पर 1 time, बात समझ आ रही है। पहले हम काउंट कर लेंगे, यहां पर 4 times 5 है, यहां पर 3 times 5 है, यहां पर 2 times 5 है, यहां पर 1 times 5 है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अब क्या करेंगे, अब हमको एक 5 उठाना है और अपने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, बात समझ आ रही है, हम एक 5 उठाएंगे अपने 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू आ गई कितनी, 5 4 = 20, 20 का 0 लिखा और 2 हो गया हमारा कैरी, बात समझ में आ रही है। क्या किया मैंने यहां पर, 5 4 = 20 किया, 20 का 0 यहां लिखा, 2 हो गया हमारा कैरी, बहुत अच्छी बात है। अब इस पे आते हैं, 5 3 = 15 किया, 5 3 = 15 और 2 कैरी जो था इसमें ऐड हो गया, 5 3 = 15 + 2 कितना हो बेटा, 5 3 = 15 + 2 हो गया 17, 17 का 7 यहां लिखा, 1 कैरी हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 = 10, 10 में 1 हमारा कैरी था वो हमारा ऐड हो गया, यानी कि 5 3 = 10, 10 + 1 = 11, 11 का 1 लिखा, 1 कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया, बाद में क्या हुआ लास्ट में, 5 1 = 5 हुआ और जो आंसर आया उसमें 1 ऐड हो गया, यानी कि 6 6 1 7 0। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं सीखोगे तो मालूम क्या होगा आपके साथ, आप पहले तो इसको ऐसे से लिखोगे, पहले ऐसे से लिखोगे उसके बाद आप ऐड करोगे, तो इसमें बहुत सारा समय जाएगा आपका, ये टेक्निक, ये अप्रोच गलत है, ऐसे नहीं करना हम लोग को, बात समझ में आ रही है। बहुत ध्यान से देखो और बहुत ध्यान समझो क्या किया गया है, एक बार हम फिर से बताते हैं बच्चा आप लोग को, कहीं पर भी कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। अगर आप नवनीत सर के स्टूडेंट हो तो मान के चलो कि आपकी कोई भी समस्या हमारी समस्या है ना, अगर आप परेशान हो तो हम परेशान है, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। क्या करना है यहाँ पर हम लोग को बेटा, हम लोग को सिर्फ काउंट करना है, कितने 5 है यहाँ पर, 4 times 5 है, वेरी गुड, यहां पर कितने 5 है, 3 times 5 है, यहां पर कितने 5 है, 2 times 5 है, यहां पर कितने 5 है, 1 times 5, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान फिर तो, है ना। सबसे पहले इस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया, देखो लॉकी बन गई, देखो मैं आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा हूं मालूम है,
मैं बहुत अच्छा स्केच बनाता हूँ, मैं लाइव आपका बिना चेहरे देखे, मतलब आपका चेहरा भी नहीं देखूंगा स्टिल मैं आपका बहुत सुंदर सा स्केच बना सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर 5, 4 जा 20, 5, 4 जा 20, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। 5, 4 जा 20 हुआ, 20 का 0 लिखेंगे, 2 हो गया हमारा कैरी, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो फिर से लौकी बनाएंगे, ये लौकी बनी है ना, तो 5, 3 जा 15, 15 में 2 ऐड हो जाएगा, 15 में 2 ऐड हो गया, कितना हो गया 17, 17 का 7 यहां पर आ गया और कैरी हो गया 1, वेरी गुड। फिर से लौकी बनाओ, देखो 5, 2 जा 10, 10 में 1 ऐड हो जाएगा, ये वाला 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना 11, 11 का 1 हमारा कैरी हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब 5, 1 जा 5 और इसमें 1 ऐड कर दो, यानी कि 6, 6, 1, 7, 0। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया अच्छे से? अगर सभी को समझ में आ गया तो जबरदस्त तरीके से इसमें कमेंट सेक्शन में यस लिखो, है ना, यस लिखो कि हाँ सर आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, जबरदस्त तरीका है ना, मजा आई कि नहीं आई बताओ, अच्छा है ना, समझ में आ गया अच्छे से। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, मतलब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं जो बहुत बेसिक है, है ना, बहुत बेसिक भी है और अभी जैसे से आप आगे बढ़ोगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लेवल आएंगे, बट क्वेश्चन के करने का तरीका आपको आज हम सिखा के भेजेंगे, यानी कि क्वेश्चन जब करोगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ यार कंपटीशन में अगर रहना है ना, कंपटीशन की मार्केट में अगर रहना तो यही करने है ना, यही करना पड़ेगा आपको। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है और कुछ ऐसे ही टेक्निक होंगी, राइट, तो बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बात। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात, सभी बच्चे यस लिख के भेज रहे हैं, लगता है सबको समझ में आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बच्चा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी इस करके बताओ। अब जो हमने आपको अप्रोच सिखाई है उस मेथड से आपको करके दिखाना है, ठीक है, जो हमने आपको अप्रोच सिखाई उस मेथड से करके दिखाई, जल्दी से, जो हमने आपको अप्रोच सिखाई है, जल्दी से बेटा, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, सभी बच्चे जो हमने आपको अप्रोच सिखाई उस मेथड से करना है आपको, बहुत अच्छे सर ये तरीके 555 वाले में चलेगी, बिल्कुल सब में चलेगा बेटा, सब में, देखो हमने आपके सामने दिया तो नया क्वेश्चन आ गया, देखो सब में चलेगा, सब में, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, अचानक से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग फिर ऐसे करना शुरू करते हैं, 3, 3, 3, 3, 3, कितने 3, 2, 5, फिर उसके नीचे लिखेंगे 3, 3, 3, 3, है ना, फिर उसके एक घंटे बैठ कर लिखेंगे, उसके बाद सबको ऐड करेंगे, तो पूरा टाइम वेस्ट है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम, नहीं करना है, बहुत ध्यान से बहुत समझदारी के साथ हम लोग को हर क्वेश्चन को समझना है कि कैसे, देखो हर क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है, राइट, हर क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व किया सकता है, बस बस शर्त इतनी है कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हो और उसने आपको अपनी जो बेस्ट अप्रोच है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो दे रखी है कि नहीं दे रखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है, वो जरूरी है समझना, बहुत अच्छी बात है। बच्चों ने आंसर निकालना शुरू कर दिया, वेरी गुड, कैसे होगा देखो ध्यान से कैसे होगा, बहुत तेजी से करेंगे, काउंट करना है हम लोग को, काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 times 3 है, बहुत अच्छी बात है, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 4 times 5 है, 4 times 3 है, वेरी गुड, 3 times 3 है, बहुत अच्छी बात है, 2 times 3 है, 1 time 3 है, है ऐसा, काउंट कर लिया हम लोगों ने, देखो 5 times 3 है कि नहीं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर चेक करो 1, 2, 3, 4, 4 times, 1, 2, 3, 3 times, 1, 2, 2 times, 1 time, ठीक, क्लियर हो गया, लौकी बनाना शुरू करो, लौकी, ये बनी लौकी है ना, 5, 3 जा 15, 15 का 5 लिखा और 1 हो गया कैरी, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, 3, 4 जा 12 हुआ, 3, 4 जा 12 हुआ, 12 का 1 हो गया हमारा कैरी, तो हमारा ऐड होगा, 4, 3 जा 12, 12 plus 1, 13, 13 का 3 लिखा गया और 1 हो गया हमारा कैरी, 13 था ना, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, ये होगा 3, 3 जा 9, देखो लौकी बनी 3, 3 जा 9 और 9 में 1 हमारा जुड़ गया, कितना हो गया बेटा 10, 10 का 0 लिखा और 1 हो गया हमारा कैरी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 3, 2 जा 6, 6 में 1 जुड़ा, कितना हो गया बेटा 7, है ना, 3, 2 जा 6, 6 में 1 जुड़ा 7 और ये हो जाएगा 3, 1 जा 3, आंसर इज 3, 7, 0, 5। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दुविधा, कोई संकट, किसी प्रकार का एलिमिनेशन ऑप्शन, बेटा एलिमिनेशन हर बार नहीं काम करेगा ना, यहाँ पर तो कुछ हो सकता है कि आप कह दो कि सर लास्ट में जिसमें 5 आएगा वही होगा, है ना, हो सकता है, बट अगर ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन ऐसे ही रहे जिसके सबके एंड में 5 आए तब क्या करोगे, है ना, तो ये जो सीख रहे हो बेस्ट है, क्लियर हुआ, ये जो सीख रहा, अंजलि तुक्का मार रही, देखो यहाँ पर लड़ाई भी शुरू हो गई, बहुत अच्छी बात है, तो लड़ाई होता रहना चाहिए, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ये लगता है ना कि बच्चे बहुत एक्टिवेटेड है, बहुत ज्यादा परफॉर्म करने में लगे हुए एकदम, है ना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, तो समझ में आ गया सभी को 37035, एकदम शेयर करते चलो, लेकिन भाई देखो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी हम जो चाह रहे हैं वो करो, देखो हम क्या कर रहे हैं, आप जो चाह रहे हो हम कर रहे हैं ना, आपका एग्जाम लगा हुआ है, हम 6 बजे पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम जो चाह रहे हैं, हमारी क्या अभिलाषा है, हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और दूसरा आपका इस यूट्यूब चैनल में पार्टिसिपेशन हो जाए, देखो दो ही है, देखो कितना राइमिंग राइमिंग हम बोलते हैं, बहुत बड़े शायर भी हैं, क्या मैंने बोला कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए
और YouTube पे आपका पार्टिसिपेशन हो जाए। पार्टिसिपेशन कैसे होगा? पार्टिसिपेशन आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे। ये हमारा पार्टिसिपेशन होता है, राइट। तो ये भी करते चलिए। सर व्हाट इज द टाइम फॉर योर रेगुलर क्लास? बेटा अभी तो हम लोग की 6 बजे रेगुलर क्लास चलेगी अब, है ना। ये जो हम लोग का ब्लैक मैजिक शो है ये डेली 6 बजे हम लोग का ऑन हो जाएगा, राइट। सो बहुत अच्छी बात है। तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा ये रहा, जल्दी से करके देखो ये कैसे होगा। जल्दी से बताओ ये कैसे रहेगा बेटा, ये कैसे होगा, कौन बताएगा? 6 होल 1/6 प्लस 66 होल 1/6। अब देखो अभी आप कहोगे ना कि सर वो क्वेश्चन तो आसान थे। देखो इसमें भी लगभग आपका वही पैटर्न शो हो रहा है, इसमें भी वही पैटर्न शो हो रहा है, ध्यान से देखो तो वही पैटर्न है ना, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, देखो बच्चों ने टाइमिंग बताना शुरू कर दिया। मुझे ये ऐसे बच्चे बहुत पसंद है कसम से, मतलब दिल खुश हो जाता है कि अगर बच्चे मेरे से कमेंट में पूछें कि सर ये कैसे होगा क्या होगा, तो मेरे जो बाकी के दोस्त हैं, मेरे जो बाकी के लाइव बच्चे जुड़ते हैं वो बता देते हैं कि सर देखो सर पढ़ा रहे, सर को परेशान ना करो, जितना मुझे आता है मैं खुद बता सकता हूं। अगर आपने पूछा लाइव क्लास कब होगी तो बच्चे खुद रेस्पॉन्ड कर दे रहे हैं, सर की क्लास 6 बजे होती है, सर का नाम क्या है, तो बच्चे जो पहले से जुड़े हुए पहले से मुझे जान रहे हो पहले ही बता देंगे सर का नाम नवनीत तिवारी है तो मतलब बच्चे कमेंट सेक्शन में खुद ही बता रहे होते हैं सारी चीजें, ये मुझे बहुत पसंद आता है। वेरी गुड। सर जी आपको कोर्स लेना है, क्या करना पड़ेगा? अच्छा आपका कोर्स लेना पड़ेगा, लेना है, चलो मिलेगा आपको, सब कुछ बताया जाएगा धीरे 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 धीरे, सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा, किसी का आंसर आया अभी तक? ओके, तो आंसर आना भी शुरू हो गया, देखते हैं कितना सही है और कितना गलत है आपका आंसर, है ना, क्योंकि ये भी तो बहुत जरूरी है ना समझना कि आप सही भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके, समझते हैं क्या है आंसर इसका। तो देखो समझते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ओके, अरे वाह बहुत अच्छे, नेवर गिव अप ने सही आंसर किया है, वेरी गुड, क्लैप क्लैप क्लैप, जबरदस्त क्वेश्चन का जबरदस्त आंसर और नेवर गिव अप ने आंसर किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका सोल्यूशन, है ना, कैसे किया जाएगा? देखो समझना ये है बेटा, पहले तो आपको, है ना, पहले तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करो, वो ये है कि जब भी आपके सामने यहां पर लिखा मिले कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ए होल बी अपॉन सी, बहुत ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने बोला जब भी आप ऐसा स्ट्रक्चर देखो ए होल बी अपॉन सी बेटा, है ना, ए होल बी अपॉन सी, तो याद रखो कि ए होल और बी अपॉन सी, ये जो हम लोग बोलते हैं ना ए होल यानी ए सही बी बटे सी, है ना, हिंदी में बोलते हैं ए सही। तो जब हम लोग ऐसे शब्द यूज करते हैं ए होल या ए सही, तो ये याद रखना कि ए और बी अपॉन सी के स्ट्रक्चर के बीच में प्लस का साइन होता है, ये याद रख लो हमेशा के लिए, बात समझ में आ रही है? ए होल बी अपॉन सी के केस में ए और बी अपॉन सी के बीच में प्लस का साइन होता है, इसको ऐसे ही नोट डाल के लिख लेना कॉपी में, जहां पर आप नोट बना रहे होगे ऐसे लिख लेना हैशटैग के साथ, है ना, हैशटैग के साथ ऐसे ही लिख लेना। क्या मैंने बोला कि जब भी ए होल बी अपॉन सी कहीं लिखा मिले तो आप समझ जाओ कि वो ए प्लस बी अपॉन सी है, ए प्लस बी अपॉन सी है, क्लियर हो गया। अब समझते हैं आगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर हम इन लोगों को अलग अलग करके लिखें, कैसे, यानी कि अगर मैं लिखूं इसको ऐसे 6 प्लस 1/6 लिखा है ये, राइट, ये वाला हिस्सा 6 प्लस 1/6 है, इसी तरह से ध्यान से देखो ये क्या है 66 प्लस 1/6 है, ये क्या है, ये है आपका 666 प्लस 1/6 है ऐसा, यानी ध्यान से देखो तो आपको मालूम चलेगा यहां पर कितने 1/6 अलग होते चले जाएंगे, यहां पर कितने 1/6 अलग होंगे। देखो 1/6 एक यहां पर मिलेगा आपको, अलग हो गया ना, देखो ध्यान से अलग हो रहा है क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है, इनके बीच में प्लस का साइन छिपा हुआ है, तो एक 1/6 ये है, एक 1/6 ये है, एक 1/6 ये है, एक 1/6 ये है, और लास्ट में एक 1/6 ये है, काउंट करो कितने 1/6 हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम्स है ना, 1/6 6 टाइम्स है, बात समझ में आ रही है, 1/6 जो है वो 6 बार है, 1/6 6 बार है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब अगर 1/6 6 बार है बेटा, 1/6 अगर 6 बार है, 1/6 अगर हमारा 6 बार है तो 6 से गुणा कर दें, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, बात समझ में आ रही मेरी नहीं आ रही है? मैंने इनके साथ क्या किया, ये जितने 1/6 है इन सबको ऐड कर दिया पहले ही, क्योंकि देखो कितनी बार थे ये, 6 बार थे, तो मैंने इन सबको ऐड किया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 6 बार है तो 6 आएगा, यानी कि 6/6 आएगा, है ना, तो 6/6 क्या होता है बेटा, 1 होता है, बात समझ में आ गई, मैंने इनको अलग कर लिया।
अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो यहां पर क्या है, यहां पर है बेटा, मैंने इनके साथ क्या किया फिर से मैं बता दूं, 1/6 जितने भी हैं, 1/6 कितनी बार है, 6 बार है, तो मैंने 6 से गुणा कर दिया, यानी कि मैंने 6 बार उनको ऐड कर दिया है ना 1/6 को, तो वैल्यू आ गई 1, बढ़िया, इसको हमने किनारे कर लिया। अब जो ये पैटर्न हमारे सामने आ रहा है, ये वाला 666 4 × 6 इसका, तो इसका क्या किया जाए, इसका तो हम लोगों ने पहले जो सीख रखा है वही यूज होगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो यहां पर ये कितने 6 है, है ना, बड़े वाले को पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये पहले लिखा जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 प्लस फिर 5 times होगा, 1 2 3 4 5 फिर 3 बार 4 बार होगा, 1 2 3 4 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 फिर 3 बार होगा, फिर 2 बार होगा, फिर 1 बार होगा, यही तो है। फिर इनको अब हम लोग अपने पैटर्न के हिसाब से ऐड कर लें, जैसे हम लोग कर चुके थे, है ना, जैसे हम लोग पहले ऐड करना सीखे हैं उसी के हिसाब से जल्दी कर ले। कैसे करेंगे, काउंट करो यहां पर कितने लोग हैं, यहां पर है 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 बार है, यहां पर 5 बार है, यहां पर 4 बार, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1। जल्दी से लॉकी बनाओ, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि 6 × 36 36 का 6 लिखेंगे हम लोग, और 1 हो गया हमारा कैरी, बहुत अच्छी बात। यहां पर क्या करेंगे, 6 × 5 = 30 6 × 5 = 30, और 1 जो ऐड हुआ था यानी कैरी हुआ, तो वो ऐड हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 1 ऐड हो गया यानी कि 31, 6 × 5 = 30 और 1 हो गया हमारा ऐड यानी कि 31, तो 31 का 3 यहां कैरी हो गया, बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, 6 × 6 = 24 है ना, 6 × 4 = 24 24 में 3 ऐड कर दो यानी कि 27, 2 हो गया हमारा कैरी, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, 6 × 3 = 18 18 में 2 जोड़ दो यानी कि 20 20 का हमने 2 कैरी कर दिया, बहुत अच्छी बात है ना। आगे बढ़ते हैं 6 × 12 12 में 2 ऐड कर दो जल्दी से, 14 का 1 कैरी हो गया, 6 × 6 = 7 यानी कि 6 × 6 और 1 जो हमारा था रेस्ट, ये कैरी वाला, ये ऐड हो गया यानी कि 7। ये हमारा आ गया क्या, 7 4 0 7 1 6 7 4 0 7 1 सेकंड 7 3 6 होगा ना, कहां पर गड़बड़ हो रहा है, देखो ध्यान से, 6 × 36 = 37 हाँ, 6 × 36 3 कैरी होगा ना, हाँ सॉरी यहां पर गड़बड़ हुआ, ये है ना, ध्यान से देखो क्या होगा, यहां पर हुआ 6 × 36 36 का 6 और 3 होगा कैरी, ये आया, और 6 × 5 = 30 3 ऐड हो जाएगा यानी कि यहां पर वैल्यू आएगी 3। अभी ठीक जा रहा है, ध्यान से देखो अभी ठीक है सारा, अभी करेक्ट है बिल्कुल, है ना, 7 4 0 7 3 6 हमारा आंसर आ चुका है। अभी ये वैल्यू बची हुई है यानी कि यहां पर 1 बचा हुआ है, तो ये इतनी वैल्यू फिर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी यानी कि आंसर हो जाएगा 7 4 0 7 3 7, करेक्ट, क्लियर हो गया, सभी का समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं, हाँ जी वो देख लिया मैंने, वो इतना बड़ा स्क्रीन सामने होता है ना, जब पास में लिखो ना तो नजर नहीं आता वो कॉपी में नजर आएगा है ना, जब इतनी बड़ी स्क्रीन के सामने लिखो ना तो लिखो कुछ और माइंड में कुछ और चल रहा होता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को भी नहीं है ना, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, 7 4 0 7 3 7 7 4 0 7 3 7, करेक्ट। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आने वाला है बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करके बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बेटा क्या होगा आंसर इसका। शेयर हो गया, लाइक हो गया, सब्सक्राइब हो गया, सब कुछ हो गया, अगर नहीं हुआ तो करते चलो, है ना, देखो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, ध्यान से देखो कितने इंपॉर्टेंट क्लास चल रही हो, कितने इंपॉर्टेंट, कितने अच्छे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक, कितने अच्छे अप्रोच दिए जा रहे हैं आपको, है ना, तो ये सारी चीजें होती रहनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने पहले बोल रखा ना कि पार्टिसिपेशन आप कहां मांगेंगे, है ना, हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करो पढ़ने में। कैसे पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेशन होगा आपके लाइक्स के थ्रू, पार्टिसिपेशन होगा आपके सब्सक्राइब के थ्रू, पार्टिसिपेशन होगा आपके शेयर के थ्रू। मालूम है मेरे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे बहुत पहले, तो वो क्या करते थे, वो अपने दोस्तों को भेज भेज करके सब्सक्राइब कराते थे, कहते थे नवनीत सर ने बोल रखा है तो करना पड़ेगा, नवनीत सर ने कहा है कि मुझे कुछ नहीं तो 100 सब्सक्राइबर चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो करके दिखाओ, तो बच्चे करते थे, जेन्युइनली करते थे, है ना, तो ये क्या करो यार, ये सब बहुत मजा आती है मेरे को देखने में, जब अपना लिस्ट खोलता हूँ मेरे बच्चे इतने सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे को, है ना, इतने लोग जुड़ चुके हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। तो कहीं ना कहीं उस हमने आपको देखा तो है नहीं, हम आपके फेस को नहीं जानते, हम आपको सिर्फ नाम से पहचान रहे, वो भी यूट्यूब के जरिए,
तो ऐसे ही एक हमारे बीच में एक कनेक्शन बिल्ड होता है, राइट। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये नाम कभी सिलेक्ट होगा तो मेरे पास आएगा, तो हम लोग मिलेंगे, हम लोग कहेंगे सर मैंने किया था, तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ यार ये रेगुलर कमेंट किया करता था, राइट। सो किया करो ये सब। चलो जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। बेटा देखो क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर जो 999999 ये है क्या, ये अलग अलग नहीं है, यानी कि कम या ज्यादा नहीं है, ये सब बराबर है। देखो यहाँ पर भी तीन है, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी तीन, है ना, ट्रिपल नाइन प्लस ट्रिपल नाइन प्लस ट्रिपल नाइन, बहुत ध्यान से देखो। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 999+1/9, है ना, क्योंकि हम लोग को मालूम है इनके बीच में प्लस का सिंबल होता है, बात समझ आ रही है। तो इन सबके बीच में प्लस डाल देते हैं, यहाँ पर भी प्लस आ गया, यहाँ पर भी प्लस आ गया, यहाँ पर भी प्लस आ गया और यहाँ पर भी प्लस आ गया, सब अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, क्लियर हो गया। अरे वाह बहुत अच्छे, सभी के सभी अलग अलग हो गए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर कितनी बार 999 है बेटा, देखो ये ट्रिपल नाइन आपको कितनी बार दिख रहा है, जल्दी बताओ ये ट्रिपल नाइन आपको बेटा कितनी बार दिख रहा है, यहाँ पर ये ट्रिपल नाइन बेटा कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 4 4 टाइम्स दिख रहा है, बात समझ आ रही है, यानी कि 999 × 4, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ट्रिपल नाइन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं समझ आया मैंने क्या बोला, मैंने समझ आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से, मैंने क्या बोला यहाँ पर ट्रिपल नाइन कितनी बार है, 4 बार है, ट्रिपल नाइन कितनी बार है, 4 बार है, है ना, तो हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर 999999999999 चार बार था, तो हमने इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने आएगा आंसर, इनका आंसर कितना आएगा, देखो 9 चौक 36 का 6 लिखा, 3 कैरी हो गया, 9 चौक 36, है ना, 36 में 3 ऐड कर दो यानी कि 39, 3 आपका अगेन कैरी हो गया और 9 चौक 36 यानी कि 3996। ओके 3996 ऑप्शन में नहीं मिल रहा होगा आपको शायद, है ना, ऑप्शन मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ, ऑप्शन में यहाँ पर कुछ गलत है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में गड़बड़ी है कोई बात नहीं, है ना, हम लोग को सीखना कंसेप्ट जरूरी है, ऑप्शन तो चलो जो भी था इंटरनेट के थ्रू मिला, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो कंसेप्ट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ट्रिपल नाइन प्लस ट्रिपल नाइन प्लस ट्रिपल नाइन प्लस ट्रिपल नाइन, कितनी बार ट्रिपल नाइन था, 1 2 3 4 टाइम्स था, तो 4 टाइम्स था यानी कि ट्रिपल नाइन को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे किया, 9 चौक 36 किया यानी कि 9 4 36 होता है, 6 लिखा 3 हो गया कैरी, 9 4 36 होता है, 3 आपने ऐड किया यानी कि 39, 9 लिखा 3 हो गया कैरी, 9 4 36 हुआ 39, ये हो गया हमारा 999 के थ्रू। आगे अब वैल्यू आती है 1/9 +2/9 +4/9 और +2/9, राइट। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है यानी कि सबके नीचे आएगा 9, अब क्या होगा ऊपर वाले सब ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 + 4 + 2 कितना हुआ, 4 2 6 2 8 1 9 यानी कि ये हो गया 9/9, 9/9 कैंसिल होकर के 1 दे दिया, यानी कि ये है आंसर यहाँ इस 999 के थ्रू मिला और वो है आपका 1, वो है आपका 1 यानी कि इसमें 1 ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा 3997, ये करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शंस में गड़बड़ी है, ऑप्शंस को किनारे कर देते हैं, कंसेप्ट सीखना जरूरी है, वो सीख लिया हमने, बात समझ आ रही है, हाँ जी बिल्कुल 3997 होगा इसका आंसर, टोटल 3997 होगा, ऑप्शन में गड़बड़ी, ऑप्शन में गड़बड़ी रहने देते हैं, क्या करना है, ए कर रहे हैं सब, कहां से ए कर रहे हैं, 2998, नहीं 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 गलत ना करें, पूजा सबको बाहर ले गई यार हमें पता है एक चीज और बड़ी अजीब लगती है कि अगर शुरुआत में किसी बच्चे ने ए कमेंट कर दिया तो पूरी की पूरी गंगे में हाथ धोते हुए निकलती है, सबके सब वही ए, सब ए ए ए चिपकाना शुरू कर देंगे ना, ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने हिसाब से जो हम लोग सीख रखे उसके थ्रू करें। देखो ये है समझदारी वाला क्वेश्चन कि नहीं, है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आपने बीच में उनको प्लस लगा दिया, प्लस लगाने के बाद ये मालूम चल गया कि ये सेपरेट है, मालूम है एक समय हुआ करते थे बच्चे क्या करते थे, बच्चे ये करते थे पहले इसको हम गुणा करेंगे, जैसे याद है आपको 9 होल 1/9 कैसे सॉल्व होता था, 9 को इससे गुणा करेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे, 9 9 81 + 8 + 182/9 ऐसे ऐसे करके इसको पहले हम लोग पहले और इसको बड़ा कर लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो ये पूरा का पूरा टाइम वेस्ट है, ऐसा कभी नहीं करेंगे, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे कैसा ए होल बी अपॉन सी के फॉर्म में तो आपको ए और बी अपॉन सी के बीच में प्लस लगा देना है, यही है इसकी शॉर्ट ट्रिक, है ना, ये ध्यान रखिएगा, आपने नहीं किया बहुत 30 सेकंड में कैसे होगा बेटा, 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये, 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, ये ध्यान रखो इसमें कुछ करना नहीं है, समझ में आ रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है, कैसे होगा देखो 30 सेकंड में, जैसे आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं आपको 30 सेकंड में आपको दिख गया कि ये 999999999 चार बार है, तो 999 को आप 4 से गुणा कर दो, सॉरी 999 को, 999 को आप 4 से गुणा कर दो, 999 को आप 4 से गुणा कर दो, और हमने ये ऊपर से ही देख लिया 1/9 2/9 4/9 2/9 यानी कि 9/9 है यानी कि 1 है, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 चौक 36 हो गया 3 कैरी, 9 चौक 36 हो गया 9 3 कैरी, 9 चौक 36 हो गया ये
और इसमें वन ऐड कर दिया यानी कि 3997 हो तो क्या 30 सेकंड से भी कम समय लगेगा राइट। सो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेटा ये रहा, जल्दी से करके दिखाओ। ये तो सर गलत बात है ना सर, आपने हम लोग को ऐसा सिखाया ही नहीं अभी तक। डेसिमल वाला थोड़ी ना सिखाए थे आप, डेसिमल वाला थोड़ी ना सिखाया था सर आपने, है ना। तो ये तो गलत बात है, आपने तो हम लोग को आसान आसान हलवा हलवा सिखा दिया और जब क्वेश्चन देने की बारी आई तो सर आप इतना बड़ा दे देते हो, है ना। तो ये गलत बात है सर, गलत बात बिल्कुल नहीं बेटा। थोड़ी सी अप्रोच चेंज होगी और सेम वैसे ही करना है जैसे आपने कर रखा है, वही करना है सेम अप्रोच के साथ। थोड़ा सा बदलेंगे इसको हम, थोड़ा सा 10 सेकंड का सवाल बिल्कुल है ना, बहुत थोड़ा सा अप्रोच बदलेगी, बहुत थोड़ा सा। देखो कैसे होगा ये, अभी आप ध्यान से देखो, अभी आप क्या कर रहे थे बेटा, पीछे अगर हम ले चले आपको यहां पर, हम लोग क्या कर रहे थे, बड़े से छोटे की तरफ चल रहे थे। ध्यान से देखो, बड़े से छोटे की तरफ, और पीछे ले ले, देखो बड़े से छोटे की तरफ, पहले 5 वाले नंबर्स, फिर 4, सबको ऐड कर रहे थे और कैरी लेते हैं, पहले ऐड किया फिर लिखा, फिर एक कैरी लिखा, फिर मतलब मल्टीप्लाई किया फिर लिखा, उसके बाद फिर कैरी किया। तो हम लोग ऐसे ऐसे चल रहे थे बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि जब डेसिमल ना हो, जब बेटा डेसिमल नहीं होगा तो बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, है ना, बिग टू स्मॉल। कहीं नोट्स डाल के लिख लो इस चीज को, जब डेसिमल नहीं होगा तो बिग टू स्मॉल चलेंगे, बात समझ आ रही, बिग टू स्मॉल चलेंगे। लेकिन जब डेसिमल होगा, जब बेटा डेसिमल होगा, जब देखो डेसिमल होगा आपके सामने, तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल टू बिग चलेंगे, स्मॉल टू बिग चलेंगे। बात समझ आ रही क्या मैंने बोला, स्मॉल टू बिग चलेंगे। कैसे, यानी कि स्मॉल टू बिग का मतलब क्या हो गया, इधर से इधर चलेंगे। क्लियर हो गया, कैसे होगा ध्यान से देखो। अरे वाह, बच्चों ने करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे शानदार, है ना, बच्चों ने आंसर निकालना शुरू भी कर दिया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, मतलब दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, सच्ची बता रहे, दिल खुश हो गया, बहुत अच्छी बात। काउंट करो जल्दी से, यहाँ पर कितने 4 हैं, 1, यहाँ पर कितने 4 हैं, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर बेटा 4, बात समझ में आ रही है। स्मॉल टू बिग चलना है हम लोग को, है ना, यानी कि एक बार जो है उसको पहले लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले हमने क्या बोला कि जब बड़े वाले होते हैं, यानी कि जब डेसिमल ना हो तो बड़े से छोटे की तरफ चलना है, जब डेसिमल होगा तो हम लोग छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, क्लियर हो रहा है अच्छे से, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखो अब कैसे होगा, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4, 4 1 जा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो लॉकी बनाते हुए, 4 2 जा 8, वेरी गुड, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12, है ना, 4 3 जा 12 हुआ, 12 यहां पर हो, कैरी हो गया 1 हमारा, यहां बढ़ाओ 4 4 जा 16, और 16 में 1 ऐड कर दो 17, आ गया हमारा 17284। अब क्या होगा बेटा, अब हमको सबसे बड़ा डेसिमल ढूंढना है, सबसे बड़ा डेसिमल कौन सा है, सबसे बड़ा डेसिमल देखो कौन सा है, यहां पर एक प्लेस के बाद डेसिमल है, यहां पर 2, यहां पर 3 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहां पर 4 प्लेस के बाद डेसिमल है, बात समझ में आ रही है, यहां पर एक प्लेस के बाद, यहां 2 प्लेस के बाद, यहां 3 प्लेस के बाद, यहां पर 4 प्लेस के बाद, राइट, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो जो सबसे बड़ा डेसिमल होगा हम उसका यूज करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 1 2 3 4, 1.7284 ऑप्शन सी। क्लियर, समझ में आ गया सर, अगर कंटिन्यूअस डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं हो बेटा, है देखो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं राइट, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम रिपीटेड होता है, तो ये अप्रोच आप पहले तो सीख लो, क्लियर, और अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके नीचे उसके आप ये देखोगे कितने 4 हैं, है ना, उससे मतलब हो रहा है, यहां पर 1 है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, यहां 2 है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यही अप्रोच सब में लगने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप घर पे बैठ के करोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ सर काम कर रहा है ना, तो खुश हो जाओगे, स्माइल पास कर दोगे, तो मेरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के जरिए आप मेरे को मैसेज जरूर करोगे, सर देखो आपने जो बताया था सही बताया था बिल्कुल राइट। तो बहुत अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन धमाकेदार आपके स्क्रीन पर आने वाला जबरदस्त क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेटा ये रहा, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं सर, ये तो बहुत टफ हो गया, ये तो देखने से ही डरावना लग रहा है, नहीं सर ये तो देखने से ही डरावना लग रहा है। क्लास का टाइमिंग डेली का कितना है बेटा, बताओ इनको, भविष्य कुमार को बताओ,
हम लोग की क्लास की टाइमिंग कब है, कितने बजे से है डेली रेगुलर फॉर्म में? 6 बजे। देखो बच्चों ने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। सर 4 की जगह कुछ और होता तो भी हो जाएगा बेटा, तो भी हो जाएगा। 4 की जगह कुछ और हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 ना हो, सिंगल डिजिट रहे, है ना। तो 9 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, कुछ भी रहे सब काम करेगा। जो हम सिखा रहे हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि सर जो हम लेकर आए बस उसी के लिए है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो बेटा वो सबके लिए एप्लीकेबल है, अगर यही फॉर्मेट रहे तो। क्लियर? ओके। तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, कर नहीं पाया कोई अभी तक, है ना। देखो कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। बट गारंटी है नवनीत सर की आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे। क्या नहीं होगे? आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे। बहुत अच्छे, ध्यान से देखो कैसे होगा ये, क्या किया जाए। देखो ध्यान से, हम लोग यहां पर LHS में देख रहे हैं 1/1 a प्लस 1/b प्लस 1/c, राइट। हमें क्या करना होगा, 9/26 लिखा हुआ है, इसी को इस फॉर्म में करना है। बात समझ में आ रही है? इस पूरे स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और यहां लिखा है 9/26। तो 9/26 को बेटा क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/, ध्यान से देखो जो हम पूछ रहे हैं बताते जाना, यस और नो के फॉर्म में। क्या हम 9/26 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, 26/9। बात समझ में आ रही है? क्या हम लोग 9/26 को 26/9 इस तरह से 1/26/9 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 ऊपर ही तो जाएगा, है ना, 9 ऊपर ही तो जाएगा। क्लियर हो रहा है? 9 ऊपर ही तो जाएगा, बिल्कुल। बात समझ में आ रही है अच्छे से? करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें? ये हो गया हमारा, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हमें पहले ब्रेक करना होगा, है ना। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करते हैं बेटा, 26 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 दुनी 18 हुआ, 18 हुआ तो 8 आया। अब ये 8 क्या होता है बेटा, 8 क्या होता है, 8 ऊपर जाता है, 2 किनारे होता है और 9 नीचे आता है, याद है ना कैसे हम लोग होल में बनाते थे इसको। यानी कि 1/26/9 को हम लोग लिखेंगे अब 1/26/9 को लिख सकते हैं, 26/9 को लिख सकते हैं 2 होल, यानी कि 2 प्लस 8/9। क्लियर हो रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? 9/26 था, हमने 9/26 को हमें इसके फॉर्म में बनाना है ना, इसके फॉर्म में। जैसे ही इसके फॉर्म में बन जाएगा तो ए बी और सी की जगह पर जो नंबर्स होंगे वो ए बी और सी की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या किया, 9/26 को बेटा मैंने ऐसे लिखा 1/1/26/9, ठीक है, जिससे कि अगर इसको पलटे दोबारा से तो 9/26 ही आए। अब क्या हुआ, 26/9 क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो इसको हम लोग पहले ब्रेक करेंगे होल में कन्वर्ट करने के लिए। 26 को 9 से डिवाइड किया, 9 दुनी 18 हुआ, 8 आ गया शेषफल यानी कि रिमाइंडर, राइट। तो 8 ऊपर गया, 2 इधर गया, 9 नीचे आ गया, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 2 सही 8/9। और सही की मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि हाँ बीच में प्लस आता है, 2 सही 8/9। क्लियर हो गया? करेक्ट, बिल्कुल, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे बेटा, अब हम लोग ये करेंगे कि यहां पर देखो आप फिर से लिखेंगे इसको कैसे, यहां पर लिखेंगे 2 प्लस, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 होना चाहिए, यानी कि 1/9/8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान से देखो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो, है ना, साफ साफ लिख दे सुंदर सुंदर राइटिंग में, वरना मेरे सुंदर से, मेरे प्यारे से, मासूम से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो ये हो गया 1 होल हो गया हमारा 1/2 प्लस 1/9/8। अगर ये 8 ऊपर गया तो वापस से यही आ जाएगा, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आ चुका है 9/8 और 9/8 को हम लोग अगर होल में लिखें तो ऐसे लिखेंगे 1/2 प्लस 1/ कैसे लिखेंगे 9/8 को बेटा 1/1/8 यही तो लिखेंगे 1/1/8। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ गया अच्छे से? समझ में आ गया सर ये किस पेपर में आया है, बैंकिंग में? हाउ मच टाइम इट टेक टू सॉल्व बिकॉज इट इज सिंप्लीफिकेशन सर, सर आई ओनली जस्ट आस्किंग। अरे देखो कोई बात नहीं, अभी आप बेसिक समझो पहले, अभी हम सब बताते हैं आपको, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। ये समझ में आ गया? अब आप ध्यान से देखो तो ये सेम स्ट्रक्चर इस तरह से बन चुका है। ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा है, 1, यहां पर लिखा है बेटा 1/1/b + 1/c लिखा हुआ है। यानी कि एक की जगह पर क्या लिखा है बेटा, एक की जगह पर लिखा हुआ है 2, यानी ए की वैल्यू हो गई 2। इसी तरह से देखो बी की जगह पर क्या लिखा है बेटा, बी की जगह पर लिखा है 1,
सी की जगह पर क्या लिखा है बेटा, सी की जगह पर लिखा है 8, तो ए बी और सी की वैल्यू मिल चुकी है आपको, तो ए की जगह पर लिख देते हैं 2, बी की जगह पर लिख देते हैं 1 और सी की जगह लिख देते हैं 8, तो सबको ऐड करो, वैल्यू आ गई 11, आंसर इज 11, करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? ये तो हमारा बेसिक अप्रोच है, ये तो हमारा बेटा बेसिक अप्रोच है, ये तो हमारा बेसिक अप्रोच है, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे हमें करना नहीं है, है ना, क्योंकि ये तो सर बेसिक अप्रोच था, ये तो बचपन में हमने स्कूल में सीख रखा है, तो एक्चुअल में किया कैसे जाएगा, क्या होगा सर, एक्चुअल में अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, एक्चुअल में अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो ध्यान से, एक्चुअल की अप्रोच बताते हैं हम आपको, अब एक्चुअल की अप्रोच देखिए, यानी करना यह है कि यहां पर लिखा है 9, यहां लिखा है 26, जब भी ये क्वेश्चन आए तो किया कैसे जाएगा, देखो हैशटैग सरनवी, अब आपको शॉर्ट ट्रिक मिलने वाली है हैशटैग सरनवी के द्वारा, राइट। तो है क्या, 26 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, क्या मैंने बोला, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, बड़ा नंबर 26 है, 9 से डिवाइड कर दो, कर दे, तो कितने बार में जाएगा, 9 दुनी 18 बार में जाएगा, बिल्कुल सही बात सर, ये आ गया 8, अब क्या करें, अब इसको आगे दशमलव मत लगा देना, बात सुन रही, दशमलव मत लगाना, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि जो 9 था उसको यहां ले आएंगे, जैसे हम लोग HCF निकालते थे, याद आ रहा, लासमा मासप्पा, जब मासप्पा निकालते थे, यानी कि HCF निकालते तो कुछ ऐसा ही यूज करते थे ना, 9 को यहां ला देंगे, 9 को यहां ले आए, 8 एकम 8 हुआ, क्या बना, 1 बना, है ना, शेषफल 1 बना, अब 8 को इधर ले आएंगे, यहां पर जो 8 था वो इधर आ जाएगा, तो 1 एकम 8 हुआ हमारा, यहां पर शेषफल हो गया 0, और ये कब तक करेंगे, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, है ना, 1 8 जाए 8, ये तब तक करेंगे जब तक शेषफल हमारा 0 ना हो जाए, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर हो गया, मैंने क्या बोला बेटा, क्लियर हुआ, मैंने ये बोला बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, बड़े नंबर को छोटे नंबर से, 26 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 दुनी 18 हुआ, 18 हुआ तो 8 आया, 8 आया तो फिर 9 को इधर ले आओ, इधर आओ भाई, तुमको भी हम काटें, 8 एकम 8 हुआ, अब क्या हुआ, शेषफल 1 आया, यहां पर ले आओ 8 को, 1 8 8 हुआ, है ना, 1 8 जा 8, यहां पर आ गया शेषफल 0, क्लियर। अब जो हमारे भागफल हैं बेटा, अब हमारे जो भागफल हैं वही हमारे आंसर है, देखो ध्यान से कैसे हुआ, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, ये हमारा सी होगा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, राइट। हमें अब कोई पैटर्न नहीं फॉलो करना, हमें कुछ नहीं ऐसे से बनाना है, है ना, हम ऐसे करके डायरेक्ट ए बी और सी निकाल सकते हैं, तो यहां लिखा 2, यहां लिखा 1, यहां लिखा 8, हमारा आंसर इज 11, बात समझ में आ रही है, अगर बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ, लिखो यस, स्माइली वाले इमोजी के साथ खुशी जाहिर होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में, है ना, पता चलना चाहिए कि हाँ सर आपने सही बोला, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में हाँ बोलें, जल्दी से बेटा, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगला क्वेश्चन बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करके दिखाओ, ये कैसे होगा, जल्दी से, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हम लोग HCF निकालते थे ना, वही अप्रोच लगेगी यहां पर, अगेन वही काम करना है, काम वही है बेटा, अगेन वही काम है, अरे वाह, देखो इमोजी आना शुरू हुआ, अरे गजब, बहुत अच्छे, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, है ना, मजा आ गई, सुबह सुबह मेरा उठना सफल हो गया, राइट, रिश्ता वही सोच नहीं है, बेसिक अप्रोच ही, लेकिन हम लोग कुछ नए अंदाज से कर रहे हैं, है ना, तो याद रखिए कुछ ऐसे ही हम लोग को शॉर्ट ट्रिक मिलेगी हर दिन की क्लास में, यानी कि हर सुबह 6 बजे आपको कुछ ऐसे ही नए क्वेश्चंस के साथ नई अप्रोच सीखने को मिलेगी, ये बहुत जरूरी भी है ना, अगर आप कंपटीशन में हो तो बहुत जरूरी भी है, ओके, सो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बेटा, जल्दी से करके बताओ, ये तो आप खुद भी कर लोगे अब, है ना, क्या करेंगे हम लोग, HCF वाला टेक्निक यूज करेंगे, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहां लिखेंगे 60, यहां लिखेंगे 17, पास में आ रही है, यहां लिखेंगे 60, यहां लिखेंगे 17, जल्दी से करके दिखाओ क्या होगा आंसर, सभी बच्चे आंसर बताएं, कुछ ही बच्चे बताते हैं, सारे बच्चे आंसर बताते नहीं है, हम ये नोटिस कर रहे हैं, यहां लिखा 60, यहां लिखा 17, 17 * 51 होगा, 51 होगा आंसर, यानी कि रिमाइंडर आएगा 9, बात समझ में आ रही है, अब क्या करेंगे 17 को उठा के यहां फेंकेंगे, भाई तुम भी आओ, तुम बहुत सबको डिवाइड करते हो ना, और हम तुमको करें, 17 को यहां बुला लो, बुला लिया हमने, अब क्या करेंगे बेटा, अब कितनी बार में ये जाएगा, जल्दी से बताओ, ये कितनी बार में जाएगा, 9 एकम 9 हुआ, राइट, ये 9 1 9 हुआ, बहुत अच्छी बात है, यहां पर 9 1 9 हुआ, 8 आया,
क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही है? समझ में आ रहा अच्छे से? डिवीजन समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर आएगा हमारा कौन, ये नाइन उठ के यहां पर पहुंच जाएगा। एट वन जा एट होगा, शेषफल आएगा एक, है ना। फिर ये एट उठेगा यहां आएगा, तो एट जा जीरो हो जाएगा। फिर ये यानी कि जीरो होते ही हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको एबीसीडी ढूंढना है। जितने भागफल होते हैं वो हमारे एबीसीडी होते हैं, ये बी, ये सी और ये डी, करेक्ट। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ए बी और सी और डी को। ए की जगह लिख दो तीन, बी की जगह लिख दो वन, सी की जगह लिख दो वन और डी की जगह लिख दो आठ, यानी कि आठ त्रिक 24, करेक्ट। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया सभी बच्चों को? बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा ना? कोई डाउट नहीं है ना? आसान था, कुछ था नहीं ऐसा कुछ कि आप टेंशन आ जाओ एकदम से कि सर नहीं हुआ मेरे से, है ना। आसान था, फिर से दिखा देते हैं एक बार हम। 60 यहां पर है, 17 यहां पर है, डिवाइड करना शुरू करो। 17 तरीके 51 हुआ बेटा, 51 हुआ तो ये आया 9, 9 से आपने 17 को फिर से भाग किया तो आएगा 9 एकम 9, यानी कि वैल्यू आएगी 8, यानी कि शेषफल। फिर आपने 9 को इधर खिसका दिया तो 8 एकम 8 हुआ, राइट। यहां आया शेषफल 1, फिर 8 बार में जाएगा ये, है ना, शेषफल 0 हो जाएगा। तो यहां पर ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया और डी ये हो गया आपका। तो अगर आप सबको मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 एक, 3 एकम 3 8 3 24, सबको मल्टीप्लाई करने पर आंसर इज 24। क्लियर हो गया सभी का? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? ऑसम। एसएससी में जब ऐसे क्वेश्चंस देख के डर लगता था, अब नहीं लगेगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच बेटा, है ना। ऐसे तारीफ करते रहा करो मेरी, तारीफ करने से हमें बहुत खुशी होती है, हम पहले भी बता चुके हैं ना, हमें बहुत मजा आ रही होती है। हम कहो ऊपर लटक करके पढ़ा रहे हो फिर आप लोग को, है ना। तारीफ करते रहोगे तो हम बहुत अच्छे से और पढ़ाएंगे। वेरी नाइस सर, अरे वाह, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, बढ़िया। ओके, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा कंसेप्ट, अरे वाह, चलिए अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम देखो, लास्ट टाइम देखो, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए, है ना, आते रहना चाहिए, कोई भी डाउट ना रह जाए। सर फोर डिजिट का यूज होगा क्या ट्रिक? फोर डिजिट को यूज क्या ट्रिक? क्या बेटा क्या लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो जबरदस्त सीख लिया हम लोगों ने अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर 6 मंथ्स महापैक आज ज्वाइन करने के बाद लाइव क्लास होगी या रिकॉर्डेड? बेटा दोनों होती है ना, दोनों होगी, आप लाइव क्लास भी ले सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बेटा ये मुझे बता दो जल्दी से, ये बता दो, आपको अगर पता हो तो मैं आपसे जानना चाहूंगा बेटा कि मुझे ये बताओ जल्दी से कि पहली बार डबल सेंचुरी क्रिकेट में कब मारी गई थी? पहली बार डबल सेंचुरी क्रिकेट में कब मारी गई थी, मालूम है आप लोग को? पहली बार डबल सेंचुरी क्रिकेट में मालूम कब मारा गया था? 2010 में। और मालूम किसने मारा था डबल सेंचुरी, यानी कि 200, है ना, मालूम किसने मारा था? सचिन तेंदुलकर ने। बात समझ में आ रही है? सचिन ने मारा था। अब आप ध्यान से सोच के देखो, सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल होगा बेटा, ध्यान से सोच के देखो। हम लोग का जो क्रिकेट मैच शुरू हुआ है वो 1971 में शुरू हुआ है लगभग, है ना। लेकिन 1971 से लेकर के 2010 तक किसी ने डबल सेंचुरी मारने के बारे में सोचा भी नहीं। लोगों को लगता था कि 100 बन जाए ना तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। लोगों के माइंड में ये बस चुका था कि 200 मारना असंभव है 50 ओवर के मैच में, पहले तो 60 ओवर का मैच हुआ करता था, राइट। कि ये लोगों को लगता था कि असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता कि एक मैच में 50 ओवर के मैच में 300 गेंदें होती हैं, 200 रन कैसे कोई मार सकता है। इसीलिए 1971 से लेकर के 2010 तक यानी कि 3000 वनडे खेले गए, 3000 वनडे टेस्ट मिलाकर जो भी खेले गए वनडे खेले गए 3000, और उसमें एक भी व्यक्ति ने 200 स्कोर नहीं किया। लेकिन पहली बार हुआ कि सचिन तेंदुलकर 2010 में 200 स्कोर किए। और उसके बाद मालूम क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि 2010 से लेकर के 2021 यानी कि मात्र 10 साल के अंतराल में लगभग 10 प्लेयर ऐसे नए हुए जिन्होंने सभी ने 200 स्कोर किया एक वनडे में। बात समझ में आ रही क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? बात यह है बेटा कि सचिन तेंदुलकर ने बिलीफ सिस्टम तोड़ा। लोगों को पहले लगता था कि मेरे से नहीं होगा, 200 मारना तो असंभव है ना। लेकिन जब सचिन ने मारा तो बगल में रोहित शर्मा बैठ के देख रहा था, उसने कहा अच्छा जब ये मार सकता है तो मैं भी मार सकता हूं। बगल में सहवाग वहां पर बैठा हुआ देख रहा था, कह रहा था जब ये मार सकता है तो मैं भी मार सकता हूं। तो लगातार दो दो तीन तीन लोग दो दो शतक मार दिए, है ना, एक ही मैच में। तो ये सिर्फ और सिर्फ खेल होता है बेटा बिलीफ सिस्टम का। बात समझ आ रही है? आप जैसा सोचोगे
वैसा हो जाओगे। जब आप सोचना शुरू करते हो, मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूं, सोचना शुरू कर दो कि आप एक्चुअल में क्वालिफाई कर चुके हो अपने एग्जाम को। और जब सोचना शुरू कर दोगे ना, तो चीजें आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाती हैं, है ना। वैसे ही आपके एक्शंस होने लगते हैं, वैसे ही आपके एक्शंस प्लान होने लगते हैं, वैसे ही आप पढ़ना शुरू कर देते हो, वैसे ही आप कंसेप्ट को सीखना शुरू कर देते हो। फिर आपके लिए कोई चीज टफ नहीं रह जाती है, हर चीज आपके लिए फिर आसान चुटकियों का खेल हो जाता है, राइट। तो आज की क्लास बेटा, आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आज की क्लास में आपने जो भी सीखा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को बहुत अच्छे दोस्तों के साथ, बहुत ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां कहीं भी आप मौजूद हो, है ना। तो सब जगह शेयर जरूर कर दो। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आप लोग क्लास करते रहिए, आप लोग ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय बाय।